वो ब्लास्टोमियर क्या बनाएगी, इसको क्या कहते हैं, फेट मैप कहते हैं। क्लियर। मैंने कहा भ्रूणीय परिवर्तन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर। बोलो कि कौन सी अवस्था, ब्लास्टुला। क्लियर, ब्लास्टुला अवस्था। ठीक है, मैंने कहा ब्लास्टुला स्टेज में कुछ ब्लास्टोमियर। क्लियर, ब्लास्टोमियर पर मार्किंग करके यह, बोलो पता लगाना, यह पता लगाना कि यह कौन सी स्ट्रक्चर या, बोलो स्ट्रक्चर या अंग का निर्माण करेगी, इसको क्या कहते हैं, फैट मैप कहते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम बोगोट से एक साइंटिस्ट था, उसने एमपीबीएंस के अंदर फैट मैप की स्टडी की। ठीक है, सर्वप्रथम ओके वोगोट्स वैज्ञानिक ने वाइटल स्टेन मेथड, ओके क्या लिखा मैंने, जैविक अभिरंजक विधि, ओके वाइटल स्टेन मेथड, जैविक अभिरंजन विधि द्वारा एम्पीबिया में फैट मैप, बोलो की स्टडी की। अगर एग्जाम में आता है कि सबसे पहले फैट मैप की स्टडी किसने की है, वोगोट्स ने, किस में की है, एम्पीबिया में, किस मेथड से की है, वाइटल स्टैंड मेथड। ठीक है, अच्छा फिर क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ, इसका मतलब अगर हमें कभी कोई पूछे फादर ऑफ फैट मैपिंग तो डेफिनेटली कौन होगा, जिसने पहले काम किया वही होगा, बोलो। ठीक है, ये समझ के बोलो। उसके बाद मैंने लिखा टाइप्स ऑफ फैट मैप्स, ओके दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ओके एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, ओके मैंने कहा एक नेचुरल और एक क्या है, आर्टिफिशियल। सबसे पहले नेचुरल का देखें, नेचुरल फैट मैप, ओके देखो क्या होता है, ट्यूनिकेट एक ऐसा यूरोकोडेटा होता है जिसके ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोमियर नेचुरली कलरफुल होते हैं। नेचुरली क्या होते हैं, कलरफुल, तो फिर तो बोलो बहुत आसान है, खाली आपको ऑब्जर्वेशन ही करना है कि कौन से कलर वाला कौन सा बनाएगा, इसको क्या नाम दिया, नेचुरल। क्लियर, मैंने कहा ट्यूनिकेट, ओके ट्यूनिकेट एक यूरोकोडेटा, क्लियर यूरोकोडेटा होता है जिसके ब्लास्टुला में ब्लास्टोमियर कलरफुल मतलब कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, नेचुरली कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, ओके इसलिए मैंने कहा मैं ब्लास्टोमियर
नेचुरल मतलब समझ के प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, इसलिए इसमें केवल ऑब्जर्वेशन भी कैसा, माइक्रोस्कोपिक, क्लियर, सूक्ष्मदर्शी, बोलो ऑब्जर्वेशन, क्लियर, मैंने कहा सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, बोलो आप समय कह रहा हूँ द्वारा, ओके, माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन से ही फेट मैप, ओके, फेट मैप का अध्ययन किया जाता है। मैंने इतना सा लिखा, फेट मैप का अध्ययन किया जाता, मतलब समझ गए, उन ब्लास्टोमियर से क्या बनेगा उसका भविष्य का पता लगाना। दूसरा मेथड कौन सा है, आर्टिफिशियल मेथड, ओके, और आर्टिफिशियल मेथड में हम कौन ना पढ़ने जा रहे हैं भाई, वाइटल स्टैन मेथड, बताओ ये किसने किया है, वही वोगोट्स ने, वही अध्ययन कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने, एक पहले ये मैंने ली है, सपोज दैट इमेजिन करो ये एक ग्लास स्लाइड है, बोलो ग्लास कांच की बनी हुई क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं स्लाइड है, ठीक है, ओके, बात समझ में, सबसे पहले इस पे लिक्विफाइड अगार अगार डालते हैं, क्या डाल देते हैं, लिक्विफाइड अगार अगार, ठीक है जी, थोड़ी देर में अगार अगार पूरे पे फैल जाएगी, फैल गई, सॉलिड हो जाएगी, फिर उस पे क्या करते हैं, मैंने कहा दो से तीन अलग अलग कलर के वाइटल स्टेन, अच्छा वाइटल स्टेन क्यों लेते हैं, क्योंकि दूसरा स्टेन लेंगे ब्लास्टोमेर ही नष्ट हो गई तो, बात समझे समझे, बोलो भाई हमें क्या करना है, ब्लास्टोमेर को भी तो स्टडी करना है, वो क्या बनने वाली है, तो हमें ऐसा अभिरंजक लेना पड़ता है जिससे ब्लास्टोमेर नष्ट ना हो, बात समझ लिए, दो से तीन वाइटल स्टेन जिसमें हम जीनस ग्रीन ले सकते हैं, ईओसीन ले सकते हैं, ये नाम सुने कभी इनस, ठीक है, चलो ठीक है, ये लेंगे, सपोज दैट मैंने क्या किया ये बोलो ब्लू, ठीक है, ओके, ऐसा मैंने किया, फिर मैं क्या करूंगा, ये अगार अगार लगी हुई है, अगार अगार पे अलग अलग स्टेन की स्ट्रिप करी मैंने, मुझे एक बात बताओ, कभी सब्जी काटते हैं लकड़ी के पाटे पे काटते हैं, सब्जी काटते हैं तो लकड़ी का पाटिया भी कट जाता है, खाली सब्जी कटती है, वेरी गुड, ये ग्लास की स्लाइड है, अगार अगार की बोलो लगाई, ये करी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझना, ओके, बोलो मेरे को यहाँ पर ये क्या कर लिया, मैंने समझ में आया, अगार अगार के साथ स्ट्रिप मिल जाएगी, अरे मैंने इन स्ट्रिप को अलग कर दिया, ठीक है, ये क्या हो गई, कलर फुल स्ट्रिप मिल गई, बोलो अब क्या करूँगा, सपोज दैट ये ब्लास्टुला है जिसमें ये ब्लास्टोमियर है, ये क्या है बोलो, ब्लास्टोमियर, ठीक है, मैंने इस पर सपोज दैट ब्लू स्ट्रिप लगा दी, मैंने इस पर रेड स्ट्रिप लगा दी, मैंने बोलो इस पे येलो स्ट्रिप लगा दी, क्लियर, और समझे बोलो, अब मैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करूंगा, क्योंकि ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला आएगी, गैस्टुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, तो मुझे क्या देखना है कि रेड वाली ने क्या बनाया, ब्लू वाली ने क्या बनाया और येलो वाली ने क्या बनाया, और यही तो क्या है फेट में, बात समझ में आए, बोलो आपसे मैं कहूँ, यहाँ देखो ये क्या लिखा मैंने, भ्रूणीय परिवर्तन की ब्लास्टुला अवस्था में ब्लास्टोमियर पर मार्किंग करके, ये हमने कलर किया, मार्किंग ही है बोलो, अरे मार्किंग समझ में आया बोलो, करके ये पता लगाना कि ये कौन सी स्ट्रक्चर या अंग का निर्माण करेगी, इसी को क्या कहते हैं
फेट मैप कहते हैं। बात समझ में। इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया? वोगोट्स ने। किसमें किया? एम्पीवियंस में। कौन से मेथड से किया? वाइटल स्टैंड मेथड। तो ये जो मैंने बताया ये कौन सा मेथड बताया? वाइटल स्टैंड मेथड। बात समझ में आए? बोलो ओके। इन रंगीन ब्लास्ट, अच्छा इसमें ये ब्लास्टोमी रंगीन थी कि हमने बनाई? अरे पहले से थी कि हमने बनाई, तो ये कृत्रिम हुआ कि नेचुरल? कृत्रिम। समझ में आया? बोलो ओके। इन रंगीन ब्लास्टोमियर ओके का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब समझते हो? बोलो निरीक्षण। क्लियर। करके बोलो क्या किया जाता है? फेट मैप। क्लियर ओके। करके फेट मैप बोलो किया जाता है। खाली मैंने इतना सा लिखा, इस फेट मैप का मतलब समझ गए नहीं समझ गए? बोलो ये क्या बनाएगी इसका पता लगाया जाता है। आया कंटेंट समझ में? नोट करोगे? ओके
ओके नेचुरल आर्टिफिशियल का मतलब समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, आया समझ में? बोलो अच्छा, इस पूरे में अपने काम की चीज दिस वन, ये तो हम समझने के लिए करते हैं कि भाई अब मैं समझ में आया कि वास्तव में आर्टिफिशियल मेथड क्या है। ठीक है, ओके हो गया नोट बोलो। ओके तो ये कंटेंट समझ में आया बोलो? ठीक है, ये नया कंटेंट है, मतलब जनरली फेट मैप का फंडा हमारा क्लियर नहीं होता। आपसे पूछा जाए फेट मैप किस अवस्था में किया जाता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, तो किसमें? ब्लास्टुला। बात समझ में आया बोलो? ओके या अब मैंने लिखा यहाँ पर ए बोलो निषेक जनन, नाम सुना होगा पार्थेनोजेनेसिस, क्लियर? पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इधर देखो, सबसे पहले ये जो पार्थेनो वर्ड है और एक है जेनेसिस, पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन, कुमारी, और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। ठीक है, ओके, जन्म। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
अर्थात बिना निषेचन, बिना निषेचन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के संततियों, संततियों ऑफ स्प्रिंग को जन्म देना क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। वापस समझना क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है बिना निषेचन के किसको जन्म देना? संततियों, उसको क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। इसका मतलब हुआ कि अनिषेक जनन अलैंगिक जनन का टाइप है। बोलो, लैंगिक जनन में तो बिना फर्टिलाइजेशन के हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यह एक अलैंगिक जनन। बोलो, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है जी। फिर मैंने कहा यह हनीबी, हनीबी मतलब मधुमक्खी, नाम सुना? बोलो क्लियर, मधुमक्खी कोमा एफिड इंसेक्ट, बोलो एफिड कीट, ओके, में होता है, ओके। क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, मैंने कहा टाइप्स की बात करूं, एक होता है हैप्लोइड, एक होता है डिप्लोइड, मतलब हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, क्लियर। मैंने कहा पहला पढ़ाऊं आपको हैप्लोइड, बोलो पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस, अगुणित अनिषेक जनन, ठीक है। बोलो अगुणित अनिषेक जनन, ठीक है। यह हनीबी, मैंने कहा मधुमक्खी, ओके ओके, में होता है, ठीक है। अब मधुमक्खी का फंडा समझना, मधुमक्खी के तीन मेंबर होते हैं, एक ड्रोन होता है, एक कौन होता है? ड्रोन मेल होता है, एक क्वीन रानी होती है और एक वर्कर श्रमिक होता है, ध्यान से समझना। मैंने कहा आपको ये हनी बी मधुमक्खी, मधुमक्खी के मेंबर है तीन, एक है ड्रोन, ओके, हैप्लोइड होता है और मेल, एक होती है रानी क्वीन, ओके, टू एन फीमेल, एक होता है वर्कर श्रमिक, वर्कर बोलो फीमेल टू एन, ओके, ध्यान से समझो। हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल मेथड से होता है, बात समझ में आए? बोलो, यानी एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल, जबकि मधुमक्खी में सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड से होता है। किस मेथड से होता है? हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड। जो हैप्लोइड होगा वो मेल होगा, जो डिप्लोइड होगी वो फीमेल हो। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझना। आप हमेशा जैसा हमारे में होता है वैसा सब में कभी नहीं सोचना है। बहुत सी बार स्टूडेंट के ये फंडे क्लियर नहीं होते। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो, हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग में सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। हमारा हमारा और जो आपसे मैं कह रहा हूँ ड्रोसोफिला का सेम है, हमारा और ड्रोसोफिला का सेम है। ड्रोसोफिला में भी एक्स एक्स फीमेल होती है, एक्स वाई मेल होता है। हमारा भी एक्स एक्स फीमेल होती है और एक्स वाई मेल होता है। बात समझ में आए? बोलो, ओके। लेकिन जो मधुमक्खी है उसमें कौन सा मेथड चलता है? हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड, ओके। जो हैप्लोइड होते हैं वो मेल होते हैं, जो डिप्लोइड होती है वो फीमेल होती है। बात समझना आप कहानी को, ठीक है।
तो अगर मैंने बोला ड्रोन हैप्लोइड है तो मेल हुआ कि फीमेल हुआ? मेल हुआ। मैंने कहा रानी 2N है, बोलो डिप्लोइड है। 2N का मतलब डिप्लोइड, N का मतलब हैप्लोइड, समझते हो? कहानी समझना। ओके, दोनों फीमेल है, दोनों में क्या अंतर है? जो रानी होती है वो जनन सक्षम होती है, बोलो क्या होती है? जनन सक्षम। और जो सर्विक फीमेल होती है वो बंदी होती है, मतलब स्टेराइल होती है, बच्चे पैदा नहीं करती है। क्लियर? अच्छा, अब क्या होता है, ये ड्रोन है तो इसमें क्या होगा? माइटोसिस, और क्या बनेंगे? स्पर्म। इसमें क्या होगा? मियोसिस, और क्या बनेंगे? एग। ध्यान से समझना, जनरली गैमेट मियोसिस से बनते हैं, बट इसमें तो मियोसिस हो ही नहीं सकता क्योंकि मियोसिस तो डिप्लोइड में ही होता है। अरे समझे नहीं समझे, तो आपसे पूछा जाए ड्रोन के अंदर स्पर्म का निर्माण किस विभाजन से होता है? मियोसिस कभी मत कर देना, माइटोसिस। बोलो बात समझ में आई? बोलो ओके। अच्छा, अब क्या है, मुझे पढ़ाना पड़ते हो जेनेसिस है, बट जब तक आप वो एसेक्सुअल है, आप साथ के साथ सेक्सुअल नहीं समझोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। होता क्या है, एक छज्जे के अंदर एक रानी होती है, एक मधुमक्खी का छज्जा जो होता है उसमें रानी एक ही होती है। क्लियर? रानी सभी ड्रोन को कहती है कि अगर मेरे से मेटिंग करनी है तो आपको मेरे साथ रेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रेस। रानी उड़ जाती है हवा में, बात समझो ना, सारे ड्रोन पीछे जाते हैं। क्लियर? आधे ड्रोन तो रास्ते में ही मर जाते हैं, बात समझ में। जो ड्रोन सबसे मजबूत पावरफुल होगा वो रानी को कैप्चर करता है, बात समझ में। रानी बुलों से मेटिंग करता है, और आपसे मैं कह रहा हूँ तुरंत स्पर्म रानी के पाउच में छोड़ते ही ड्रोन भी खत्म हो जाता है। मतलब जो रानी के साथ मेटिंग करता है वो ड्रोन भी नहीं बचता है। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। फिर रानी क्या करती है, अपने पाउच में उस ड्रोन के स्पर्म को लेकर वापस अपने छज्जे पे आती है। आकर के क्या करती है, स्पर्म लेके आई है, एक तो वो खुद बनाती है। बोलो, आपने कभी मधुमक्खी का छज्जा देखा? बोलो, अरे देखा है ना छज्जा, तो उसमें क्या करती है, वो स्पर्म को डाल देती है और एक भी रिलीज कर देती है। वर्कर क्या करता है, उन छज्जों के मुंह बंद कर देता है। बोलो बात समझ में? ओके। तो ये जो मैं बता रहा हूं, अब इससे फर्टिलाइजेशन ही हुआ है। चलो ये लो, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ओके, बोलो जितने एक जितने फर्टिलाइजेशन होगा क्या बनेगा? जायगोट। ये जायगोट कैसा है? 2N। क्लियर? अच्छा, इन जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और इन एम्ब्रियो से क्या बनेगी? मेल के फीमेल? फीमेल। बोलो, मैंने कहा क्वीन बनेगी और वर्कर बनेगा। अरे समझे नहीं समझे, इसका मतलब आपसे पूछा जाए हनी बी में क्वीन और वर्कर किस जनन से बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है? लैंगिक जनन है। बोलो क्या है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, अब क्या होता है, कभी कभी ये रानी है, इसका एक है, एक मतलब एन, स्पर्म मतलब एन। क्लियर? एक जो है उसको स्पर्म मिलता ही नहीं है, तो वो एक क्या करता है? बोलो आप सब, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बोलो क्या होता था? डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्या बना दिया? जायगोट। बताओ ये एन ही रहेगा, बात समझो ना, इससे क्या बन गया? एम्ब्रियो। बताओ एन ही रहेगा, इससे जो बनेगा वो कौन बनेगा? ड्रोन। एन ही रहेगा और वो कौन होगा? मेल। तो ये जो है क्या बोलते हैं? हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब आपको पूछा जाए मधुमक्खी में एन इसेक जनन से कौन बनता है? ड्रोन बनता है। क्वीन और वर्कर हमेशा किससे बनते हैं? लैंगिक जनन से, बात समझ में? बोलो ओके। मैंने कहा दूसरा क्या है? डिप्लोइड। बोलो, मैंने कहा पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने? बोलो द्विगुणित। क्लियर? ओके, एनिसेक जनन, एनिसेक जनन। ओके, यह
किस में मिलता है? एफिड कीट में, एफिड इंसेक्ट ओके में मिलता है। क्या होता है देखो, ये एपिड है, एक मेल एपिड। एपिड का मतलब क्या है? कीट है, ठीक है। एक फीमेल, मैंने कहा फीमेल एपिड, ठीक है जी। बोलो ये भी 2N, ये भी 2N, क्लियर। ये क्या करेगी? मियोसिस क्या बनाएगा? स्पर्म एंड। ये भी क्या करेगा? मियोसिस क्या बनाएगा? एग ओके एंड। इनका फ्यूजन होगा, बोलो बात समझ में आए, क्या बनेगा? जाइगोट ओके 2N। क्या बनेगा? एम्ब्रियो 2N ओके। और क्या बनेंगे? एपिड ओके। जनरली ऐसे ही बनते हैं। ये एपिड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये जो मैंने बताया वो तो क्या है? लैंगिक जनन। बट कभी कभी क्या होता है, इसमें ये जो फीमेल एपिड है इसके अंदर जब एक बनता है तो क्या हो जाता है? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन से होने से होता है कि एक जिसमें अलग होने चाहिए क्रोमोसोम वो होते ही नहीं है। बोलो एक ही कैसा बन जाता है? डिप्लोइड। वापस समझना, बोलो जब मियोसिस होता है तो बोलो सपोज दैट अपने में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 23 अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? इसको बोलते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ डिसजंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। और मैंने कहा अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया तो क्या होगा? अलग नहीं होंगे। तो ये एक क्या बन, 2N, क्लियर। अच्छा, इस एक में क्या होगा? डेवलपमेंट क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट भी क्या है? 2N। क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ये भी 2N। और क्या बनेगा? 2N एपिड। बट ये जो एपिड बनेगा, बोलो ये फीमेल ही होगी। ये कौन होगी? फीमेल ही होगी। ये क्या, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहूंगा क्या? नहीं। इसको क्या कहूंगा? ये ऑफ स्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अरे बोलो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। तो मैंने देखो पहले क्या लिखा, मैंने लिखा पार्थेनो का मतलब क्या होता है? वर्जिन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? बर्थ। एचएन के संतियों को जन्म देना। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। ज्यादातर तो यही लाइन पूछी जाती है कि बिना निषेचन के बोलो बच्चों को जन्म देना, संतान देना कौन सा मेथड कहलाता है? तो पार्थेनोजेनेसिस। ये कैसा जनन है? बोलो अलैंगिक है। ये किस में होता है? हनी बी इंसेक्ट में होता है। अब लाइनें समझ में आ रही है? बोलो आपको, नोट करोगे? हुआ नोट? बोलो
ठीक है। हो गया ठीक है। आपको डिप्लॉयड हैप्लॉयड नाम समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है। हो गया ठीक है। ठीक हो गया।
ये जो मैंने गया नॉन डिस जंक्शन मतलब एन एन अलग ना होगा, बोलो बात समझो ना। अगर ऐसा होगा तब तो ये तो लैंगिक जनन हुआ, ठीक है। वह नोट बोलो। ओके हो गया। एक छोटा सा कंटेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा एनिमल क्लोनिंग। ओके, जंतु क्लो, जंतु क्लोनीकरण। ओके, देखो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्लोन नाम सुना नहीं सुना। अरे क्लोन सुना, मैंने कहा आनुवांशिक रूप से समान जीव, आनुवांशिक रूप से समान जंतु बनाना, ठीक है, उसी को क्लोन कहते बनो। ओके, इस दुनिया के अंदर विश्व में सबसे पहले उन 1997 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहला क्लोन बनाया मेमल्स का, जो कि भेड़ सिप का था, जिसका नाम डोली रखा। क्या रखा? डोली। इधर देखो 1997 में अमेरिका के वैज्ञानिक विलमंट तथा उसके साथियों, ओके, ने प्रथम स्तनधारियों मेमल्स, ओके, का क्लोन बनाया, ओके, जो कि भेड़ किसका था बोलो? भेड़ का था। बोलो नाम क्या रखा उसका? अरे नाम क्या रखा? डोली। क्या रखा? डोली। बात समझ में आए? बोलो, दुनिया का पहला क्लोन किसने बनाया? अमेरिका के वैज्ञानिक। कब बनाया? 1997 में। उसका नाम क्या रखा? डोली। डोली क्या है? भेड़ है। ओके, डोली कैसे पैदा हुई? चलो कर देते हैं डोली का निर्माण। ओके, समझना, इन वैज्ञानिकों ने क्या किया?
पे एक भेड़ ली, क्या ली? एक भेड़, उसके लिए अडर सेल। अडर सेल का मतलब होता है स्तन कोशिका, क्लियर? ठीक है जी, ये ले ली। एक और दूसरी भेड़ ली, सेकंड सी, उसका लिया केंद्रक रहित अंड कोशिका, ठीक है? ओके, अंड कोशिका। मैंने कहा नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड एक सेल, ठीक है जी, ओके, ये लिया। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल किसका लिया? पहली भेड़ का लिया, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। अरे किस में होता है? केंद्रक। इसमें जो अंड कोशिका ली वो कैसी ली? केंद्रक रही, ठीक है जी। इनका क्या कराया? इलेक्ट्रिक फ्यूजन, बोलो। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या? संलयन, ठीक है। ये क्या बना? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। फ्यूजन कराएंगे जाइगोट ही बनेगा, बोलो। ओके, ये जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो, भ्रूण बना, बन गया, बोलो, क्लियर। जब ये भ्रूण 32 सेल स्टेज का हुआ, ओके, 32 सेल स्टेज, तो इसको क्या किया? फिर एक थर्ड भेड़ ली, पहली दूसरी नहीं, तीसरी नई भेड़ ली, के यूट्रस, गर्भाशय में क्या किया? इम्प्लांट कर दिया, इम्प्लांट। जैसे हमारा गेस्टेशन पीरियड होता है 9 माह 10 दिन, वैसे ही सभी जंतुओं का होता है। मैंने कहा सामान्य गर्भावधि के बाद, बोलो, डोली बर्थ। अरे किसका जन्म हुआ? डोली का। बात समझ में आए, बोलो। तो पहला क्लोन डोली का बनाने में कितने भेड़ों का यूज किया? 3 भेड़ों का। पहला क्वेश्चन, डोली का पिता था, पहली भेड़, सेकंड भेड़, थर्ड भेड़, इनमें से कोई नहीं। डोली का कोई पिता ही नहीं था, क्योंकि एक्टिव स्तन कोशिका ली तो पहली भी क्या है? फीमेल है। एक लिया तो वो भी क्या है? फीमेल है। यूट्रस लिया तो वो भी क्या है? फीमेल है। इसका मतलब डोली का कोई पिता था ही नहीं। पहला क्लोन बनाया, लोगों की, साइंटिस्टों की बड़ी उत्सुकता थी, कभी थोड़े डोली को बड़ा तो होने दे, देखे डोली किस पे गई है। अरे समझे समझे, तो 1999 में, 2 साल बाद, जब डोली 2 साल की हो गई, तो क्या पता चला? डोली परफेक्ट क्लोन नहीं थी। डोली क्या थी? परफेक्ट क्लोन नहीं थी, क्योंकि डोली में अधिकांश करेक्टर तो इसके थे, होने ही चाहिए, लेकिन कुछ करेक्टर इस भेड़ के भी आए। साइंटिस्टों ने कहा इस भेड़ के कैसे आ गए? तो पता चला कोशिका द्रव्यवंशा गति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। माना न्यूक्लियस नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म तो है। और समझे समझे, बोलो, कोशिका द्रव्यवंशा गति के कारण आए, ठीक है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। बोलो आप सर, डोली के बारे में सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डोली पहला क्लोन है। डोली की मृत्यु कब हुई? 14 फरवरी 2003 को वैलेंटाइन डे के दिन। हार्ट फेल होने से नहीं, दिल टूटने से नहीं, लंग्स इन्फेक्शन के कारण। क्वेश्चन आता, डोली की मृत्यु का कारण क्या है? फेफड़ों में संक्रमण। बोलो बात समझ में? ओके, हजारों क्लोन उसके बाद बन चुके हैं, हम आज भी डोली को क्यों पढ़ते हैं? एग्जाम में डोली आता है, बोलो, क्योंकि डोली पहला क्लोन है। ये जो मैंने बताया, समझ में आया, बोलो आपको? ओके, नंबर फोर्थ, मैंने कहा 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई, कारण क्या दूंगा? बोलो, फेफड़ों में संक्रमण, क्लियर? ओके, के कारण किसमें इन्फेक्शन? बोलो, लंग्स में इन्फेक्शन, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन, ओके। अच्छा, अब क्या बता रहा हूं, डोली परफेक्ट क्लोन नहीं थी। डोली, मैंने कहा डोली 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 परफेक्ट क्लोन नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ लक्षण
किसके बोलो, सेकंड बेड के बी थे, ठीक है। डोली में किसके करेक्टर नहीं थे, थर्ड बेड के आ ही नहीं सकते, सरोगेसी का कॉन्सेप्ट ही वहीं से आया है। अरे बोलो समझे समझे, सरोगेसी का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है, बोलो बात समझ में। थर्ड बेड के तो कोई करेक्टर है ही नहीं बोलो, और ना आ सकते कभी, क्लियर। ओके, डोली परफेक्ट लोन नहीं थी क्योंकि उसमें कुछ लक्षण सेकेंड बेड के थे, अधिकांश करेक्टर किसके थे, पहली बेड के, जनेटी पटेल तो उसी का ना थे। इसके सेकेंड बेड के करेक्टर आने का कारण क्या पता चला, कोशिका द्रवी वंशागति, नाम सुना नहीं सुना कभी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्लियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ूंगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा। अब सुनो, डोली के बारे में समझ में आ गया। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भेड़ों के और क्लोन बनाए जिनके नाम मोली पोली रखा, क्या रखा, मोली पोली, इंस्पायर बाय डोली, क्लियर। तो मैंने कहा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पेड़ के अन्य क्लोन भी बनाए, उनके नाम क्या रखे, मोली एंड पॉली। तो डोली मोली पॉली सब किसके क्लोन है, पेड़ के ही क्लोन है, बात समझ में आए, बोलो ओके। अब आपको पूछा जाए फर्स्ट कैट क्लोन, पहला बिल्ली का कौन कौन सा है, सीसी कीटन, डायरेक्ट पूछते हैं। फर्स्ट मंकी क्लोन, ये तो मैं ऐसे ही लिख दूं चल जाएगा और समझ जाओगे। पहला बंदर का क्लोन टेट्रा, नाम क्या है बोलो, टेट्रा, ओके, बात समझ रहे ना। अब आपसे पूछा जाए भारत का पहला क्लोन किसका था, भारत में, ठीक है, विश्व का तो पता चल गया, विश्व का पहला क्लोन किसका है, भेड़ का। भारत का पहला क्लोन है गोट बकरी का, किसका है, बकरी का, ठीक है। फर्स्ट इंडिया क्लोन, ठीक है, वो किसका है, गोट, गोट यानी बकरी, और उसका नाम क्या रखा, पश्मीना, क्या रखा, पश्मीना। इसका मतलब ये कहाँ बनाई, कश्मीर में, पहला क्लोन कहाँ बना, कश्मीर विश्वविद्यालय के अंदर, पश्मीना कश्मीर घूमने जाते हैं तो उस बकरी, उस पश्मीना, वहाँ की शॉल पश्मीना के नाम से बहुत सारी चीज़ें फेमस है। तो पश्मीना भारत का पहला क्लोन है, और भारत का पहला क्लोन किसका है, बकरी का, और विश्व का पहला क्लोन किसका है, पेड़ का, जिसका नाम क्या है, डोली। बोलो बात, आज तो हजारों क्लोन बन चुके हैं, बट हमें आज भी एग्जाम में डोली का क्यों पूछते, समझ में आया, बोलो ओके। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो, नोट करोगे, ओके। सारी चीजें जो पूछ सकते मैंने बता दी आपको। डोली का कोई पिता था क्या, नहीं था, डोली बिना पिता की थी, बात समझ में। डोली को बनाने में कितनी भेड़े यूज आई, 3, वो सब आपको पता चल जाएगा उसमें, बोलो। डोली में कितने भेड़ों के करेक्टर थे, 2 के। हो गया, ओके,
ओके हो गया बोलो, ये पहले बताओ, ये जो मैंने बताया समझ में आया बोलो, पहली भेड़, दूसरी भेड़, तीसरी भेड़, क्लियर?